वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, जो हम लोग के ज्यादा कीमती शब्द थे हम लोग उनको पीछे छोड़ के जो फैशन में हम लोग आ रहे हैं, जो इजिली अवेलेबल चीजें हैं जिनकी वैल्यू बहुत कम है, वो हैबिट्स हम लोग को पड़ती जा रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा प्रेजेंट का भी ध्यान रखेंगे, लेकिन जो पुरानी जो कीमती चीजें हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर हम उनको छोड़ेंगे तो फिर हम अपने आप को डिग्रेड करेंगे। अपने आप को डिग्रेड करना इज द बिगेस्ट पॉसिबल सिन। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपनी खुशी, अपनी ग्रोथ, अपनी हैप्पीनेस के लिए टाइम निकालने के लिए, एफर्ट्स करने के लिए, ये एक ऐसा वर्क है जो हम में से ज्यादातर लोग नहीं करना चाहते हैं। एक छोटा सा मैसेज कम्युनिकेट करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिए, हम लोग की जो सोसाइटी है, हम लोग की जो सोसाइटी है, लाइफ है, यहाँ पे ना दो तरह के लोग होते हैं। पहला वो क्लास जिसमें बहुत थोड़े से लोग आते हैं, दूसरा वो क्लास जिसमें क्राउड आती है, भीड़ आती है, मेजॉरिटी आती है। पहला क्लास वो है जो लोग ग्रोथ वर्ड को समझते हैं, टाइम की वैल्यू को समझते हैं, जो लोग अपने लाइफ को बेस्ट यूज करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग सीखने में इंटरेस्टेड होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। इन लोग की लाइफ में मेंटर्स होते हैं, मास्टर्स होते हैं, बुक्स होती हैं, सोर्स ऑफ लर्निंग होता है। एक दूसरी क्लास होती है जिनकी लाइफ में ये चीजें नहीं होती है। सो हमें कोशिश करना है कि हम पहली क्लास में आने की कोशिश करें। दूसरी क्लास में अगर आप जाते हो जिसमें मेजॉरिटी होती है, उन लोग की लाइफ ना बहुत बहुत खराब होती है। दूसरी बात, उनकी लाइफ में कोई रे ऑफ होप भी नहीं होता है। ऐसा क्यों है? यूनिवर्स उनके साथ कुछ गलत कर रहा है? नहीं, यूनिवर्स किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता है। गॉड, भगवान किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता है। अगर कोई हमारे साथ कोई गलत करता है तो हम खुद हैं। तो हमें कोशिश करना है कि जो फर्स्ट क्लास है, जो बेटर क्लास है, जिसमें थोड़े से लोग आते हैं, उस क्लास में आने की कोशिश करना। और हमारी कोई ऐसी कोशिश नहीं होती है जिसमें हम फेल होते हैं। देखिए, लाइफ के फेजेस आएंगे, अप एंड डाउन आएंगे, लेकिन अगर हम कमिटेड हैं, अगर हम क्लियर हैं कि हमें किस सोसाइटी के किस पार्ट में होना है, हमें किस ग्रुप ऑफ पीपल में होना है, तो आप वहां आज नहीं कल देर सबेर पहुंच ही जाएंगे। गलती वो होती है कि हम एफर्ट्स नहीं करते, या फिर अगर कोई चीज है हम उसकी कीमत नहीं चुकाना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में ये भी हो, वो भी हो, वो भी हो, वो भी हो, वो भी हो, लेकिन हम ना तो एफर्ट्स करेंगे, ना तो हम इन्वेस्ट करेंगे, ना तो हम ये करेंगे, ना तो हम वो करेंगे, तो वो मेजॉरिटी में चले जाते हैं। हमारे आसपास ना ज्यादातर लोग वैसे ही हैं, मेजॉरिटी वाले हैं। वो लोग लोअर प्लेन्स पे जीते हैं। उनके लाइफ का जो दुख है ना, उसका कोई अंत नहीं है, और हमें उसके बारे में कोई बात भी नहीं करना है। बस ये मेरा मैसेज ये था, जैसे हम सब की, हम में से ज्यादातर लोग की जो स्टार्ट होती है ना, वो उसी से होती है। हम लोग उसी लोअर प्लेन या इसी सोसाइटी में, हमें से ज्यादातर लोग वहीं से ओरिजिनेट होते, सभी लोग नहीं, ज्यादातर लोग, क्योंकि जो उसको क्रॉस कर गया, अब उसके जो कम्युनिटी है, उसकी जो फैमिली है, वो इधर नहीं आती है। तो सबसे पहले हमें कोशिश करना है अपने आप को अपनी ना राइट पोजीशनिंग करनी है। अपनी पोजीशनिंग हमें वहां करनी है जहां पे वो ग्रुप ऑफ पीपल जो अपने टाइम की वैल्यू ज्यादा करता है, जिसको अपनी लाइफ की वैल्यू पता है, जो सीखने में इंटरेस्टेड रहता है, जो अपनी कमियों को एक्सेप्ट करता है, और जो सिंपल, ऑनेस्ट, जेन्युइन बनने की कोशिश करता है। कम से कम वो राइट डायरेक्शन पे चल तो रहा है, कम से कम जो राइट डायरेक्शन पे चल रहा है वो आज नहीं कल पहुंचेगा ही पहुंचेगा। एक बड़ी भीड़ होती है हम लोग की सोसाइटी में जो राइट डायरेक्शन में चलती ही नहीं है। एक्चुअली उनको वो अपने हिसाब से चलते ही नहीं है, उनको चलाने वाला कोई और है।